वैसे सभी लोग कभी ना कभी टाइपिंग ज़रूर किए होंगे, और अगर टाइपिंग किए होंगे तो टाइपिंग में तो कीबोर्ड का इस्तेमाल होता ही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है इम्तियाज और मैं यूट्यूब में गेमिंग टेक इसी के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, और इसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में। मैकेनिकल कीबोर्ड्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है, उसके बाद मैं आप बताऊंगा उसका वर्किंग कैसे होता है, मतलब कैसे मैकेनिकल कीबोर्ड काम करता है, इसका प्रोस कॉन्स, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मैकेनिकल कीबोर्ड क्यों लेना चाहिए, मतलब मेरा क्या ओपिनियन है मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको कुछ मैकेनिकल कीबोर्ड्स का लिंक दे दूंगा, गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड साथ ही साथ जो नॉर्मल मैकेनिकल कीबोर्ड्स है इनका भी लिंक दे दूंगा। तो आप ज़रूर कभी ना कभी जो बड़े बड़े गेमर्स होते हैं उनसे अगर आप उनका वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही है कि वो लोग मैकेनिकल कीबोर्ड का जिक्र बार बार करते हैं। तो ये क्या होता है मैकेनिकल कीबोर्ड? तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड की तरह देखने में होता है, पर उसके उसमें जो की कैप होता है ना, जो आप दबाते हैं SQYZ जो भी आप दबाते हैं, तो उसके नीचे एक की होता है। मैं आपको की दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक की है, एक की होता है। तो आप जब की कैप दबाते हैं तो डायरेक्ट वो की प्रेस होता है, और की प्रेस होने के बाद दो मेटल का पीसेस होता है, और की के नीचे एक स्प्रिंग होता है। तो आप जब वो की को दबाते हैं स्प्रिंग नीचे जाता है, दो मेटल का पीसेस टच होता है, और उससे आपका जो की है वो प्रेस हो जाता है, मतलब आप जो भी इसमें दबाते हैं वो आपको स्क्रीन में शो करता है। तो यही था कुछ मैकेनिकल कीबोर्ड का वर्किंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, मैं आपको एक GIF दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक मैकेनिकल कीबोर्ड का वर्किंग होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। पहले मैं आप बता दूँ प्रोज, मतलब कि आपका एडवांटेजेस है मैकेनिकल कीबोर्ड के। पहला बात, इसका जो बिल्ड क्वालिटी होता है बहुत ही सॉलिड होता है, मतलब ज़्यादातर मैकेनिकल कीबोर्ड्स मेटल से बने होते हैं, और उनका जो कीज़ होता है उनकी इसका लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा है, करीब 1 मिलियन की स्ट्रोक्स का लाइफ होता है, 1 मिलियन 2 मिलियन, ये एक प्रो है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ और भी प्रोस। मैकेनिकल कीबोर्ड्स बहुत तरह के होते हैं, चाहे आप कोई भी हो, आप एक हार्डकोर गेमर हो, आप एक टाइपिस्ट हो, कोई भी हो, मैकेनिकल कीबोर्ड आप सब लोगों के लिए बना है। मैकेनिकल कीबोर्ड में बहुत ही वैरायटीज़ होते हैं, जब जैसे कि चेरी एमएक्स, ब्लू स्विचेस, रेड स्विचेस, वाइट स्विचेस, ग्रीन स्विचेस, ब्राउन स्विचेस। अगर आप एक टाइपिस्ट है और आपको वो क्लिक आवाज़ सुनाई में अच्छा लगता है तो उसके लिए आपको लगेगा चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस। ठीक है, अगर आप एक गेमर है तो आपको थोड़ा अगर साइलेंट स्विचेस पसंद है तो आप चेरी एमएक्स रेड स्विचेस भी ले सकते हैं। ये चेरी एमएक्स स्विचेस क्या होता है, ये असल में स्विचेस है जो जर्मनी में बनते हैं। ये बेसिकली एक मैकेनिकल कीबोर्ड का मैं आपको बताऊँ तो ओरिजिनल स्विचेस होते हैं, तो इनका जो फील और फीडबैक जो होता है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि उसका जो मतलब बिल्ड क्वालिटी और कुछ भी आप पता है, फीडबैक कुछ भी बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी बात, मैकेनिकल कीबोर्ड आपका मतलब जो कीबोर्ड का बिल्ड इतना ही अच्छा होता है कि वो आपको बहुत दिन तक चल जाएगा। करीब अगर आप नॉर्मल टाइपिस्ट है या फिर कोई भी हो, गेमर भी हो, 4-5 साल आराम से चल सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कुछ मैकेनिकल कीबोर्ड्स के कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स अभी तक मुझे दो ही मिले हैं। पहला है कि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, हाँ, नॉर्मल कीबोर्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। क्यों प्राइस ज़्यादा है? क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ होता है, स्प्रिंग मेटल और जो भी जैसे भी बनता है कीबोर्ड, तो उसमें थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लंबा है, इसमें इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरी जगह पे हम बात करते हैं अगर मेम्ब्रेन कीबोर्ड, मतलब आप जो चिकलेट कीबोर्ड या फिर बटरफ्लाई कीबोर्ड जो भी बोलते हैं, वो कीबोर्ड का वो उतना ज़्यादा नहीं होता। वो बेसिकली कैसे बनता है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर एक नॉर्मल जो नॉर्मल कीबोर्ड है, चिकलेट कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, उसके अंदर क्या होता है, एक रबर का मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर। अगर आप इसको कीबोर्ड को खोलते हैं तो उसके अंदर एक रबर का मेम्ब्रेन होता है, तो वहाँ पर आप जब की कैप को प्रेस करते हो तो मेम्ब्रेन को टच होता है, और मेम्ब्रेन के नीचे एक सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, वो जो आप मेम्ब्रेन को टच करते हैं तो वो सर्किट को टच करता है, फिर आपका जो की वहाँ पे स्क्रीन में दिखाता है। इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि आपको फीडबैक नहीं मिलता। अगर आप बहुत ही स्पीड से टाइपिंग करते हैं या फिर आप गेम खेलते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है कि आप अगर आप कोई भी की मिस करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि टाइप हो चुका है पर टाइप नहीं होता। तो इसमें बहुत ही फ्लॉज आते हैं, आपका जो जो भी प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट में बहुत सारे फ्लॉज आ जाते हैं, पर वो मैकेनिकल कीबोर्ड में वैसा नहीं होता है।
उसमें थोड़ा सा मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखता, डायरेक्ट सब कुछ हो जाता है आपको, मतलब हर एक की में पता चल जाए कि आप कौन सा की प्रेस किया है, कौन मिस हो गया है। अभी मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है मेरा भाई, वो भी आपको एक पॉइंट बताना चाहता है। तो भाई लोग, एक चीज़ आपने अगर नोटिस किया कि आप अगर चिकलेट कीबोर्ड से GTA 5 खेलते हैं तो आपको कैसा लगता है वो मैं बताऊँ तो, मैं एक की प्रेस करता हूँ और 5 मिनट बाद उसका रिस्पॉन्स आता है और वो रुकता ही नहीं। तो भाई एक क्यों ले, हम मैकेनिकल कीबोर्ड ही लेंगे इसके लिए। तो यही कुछ बातें थे ये प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अभी हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड का आपको डिफरेंस पूरा का पूरा पता चल गया है कि क्यों आपको नॉर्मल कीबोर्ड नहीं लेना चाहिए। वैसे अगर आप कोई नॉर्मल बिल्ड बना रहे हैं, जैसे कि आपका 20-30 हज़ार का बिल्ड है, जब प्रोफेशनल काम नहीं करने वाला है, जस्ट कैजुअल कोई काम करने वाला, तो आप नॉर्मल कीबोर्ड भी ले सकते हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, पर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड ही लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है वो कीबोर्ड। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड, मतलब मेरा ओपिनियन क्या है, क्या ये मैकेनिकल कीबोर्ड किसी के लिए भी है। तो मैं सच में बताऊँ तो, आप अगर थोड़े भी प्रोफेशनल कोई काम करते हो, आप प्रोफेशनल गेम खेलते हो या फिर आप टाइपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड ज़रूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मैकेनिकल कीबोर्ड? क्योंकि ये इसमें जो आपका काम होता है ना, पूरा परफेक्ट काम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, मैकेनिकल कीबोर्ड का जो फीडबैक है, फीडबैक बहुत ही अच्छा होता है। फीडबैक क्यों अच्छा होता है? क्योंकि आपको पता है इसमें कोई सर्किट या फिर मेम्ब्रेन का कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट की कैप के नीचे ये की होता है। और सबसे बढ़िया बात कि इसमें जो की होता है, ये आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। सोचिए कि आपने आज एक मैकेनिकल कीबोर्ड ख़रीदा, इसमें आप टाइपिंग करने वाले हैं, ठीक है, पर बाद में आपको लगा कि मुझे गेम खेलना है, तो अगर आपको वो क्लिकी साउंड पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसी की को रिप्लेस करके एक चेरी एमएक्स रेड स्विच भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चेरी एमएक्स रेड स्विच लगाने में क्या है कि आपको कोई मतलब भाई गेम में आपको अच्छा लग रहा है तो, पर ये आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड में नहीं कर सकते, इसमें आपको जो रबर का शीट मिलेगा वही होता है। और इनके बीच में और एक कीबोर्ड आता है जो बोलते हैं हाइब्रिड कीबोर्ड, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड का मिक्सचर रहता है, पर मैं आपको सच में बताऊँ तो ये फालतू होता है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड से भी फालतू होता है ये, क्योंकि मिक्सचर है ना एकदम घटिया होता है, पर कीमत बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। और मैं मैकेनिकल कीबोर्ड का और एक फ्लॉप बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि इतना डिमांड है मैकेनिकल कीबोर्ड का, लोग सस्ते से सस्ता कीबोर्ड ढूंढते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड, पर आपको वो मिलता नहीं है। और सबसे बढ़िया बात कि इसमें आपको जो चाइनीज़ का जो मतलब रेप्लिका स्विचेस लगा हुआ होता है। अभी कुछ दिन पहले TVS का एक कीबोर्ड था, इसमें क्या था, इसमें चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस था, TVS एक इंडियन कंपनी है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2,200 रुपये में एक कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड दे रहा था, जिसमें बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा। आप अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में आप देखते हैं कि एक कीबोर्ड होता है जो TVS का होता है, वो इतना ही मतलब इतना पसंद किया जाता था, क्योंकि उसमें जो चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस लगा हुआ था और उनका जो फीडबैक था बहुत ही, 10-10 साल बैंक में ये एक ही कीबोर्ड चल जाता था, वो तो रोज़ यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। पर अभी कुछ दिन पहले उसको चाइनीज स्विच से रिप्लेस कर दिया गया, तो यही कुछ प्रॉब्लम था। अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक दिए हुए लिंक से ख़रीदते हैं तो आपको मतलब हमें कुछ सपोर्ट भी मिलता है थोड़ा सा। तो वीडियो में बस इतना ही था, लेना चाहिए, ये वीडियो किसी भी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर नहीं है, यह मैं खुद से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक मैकेनिकल कीबोर्ड लेना है। और आपको भी मैं बता दूँ कि मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है, आप टेक्निकल गुरुजी की भी वीडियो देख सकते हैं, उनमें भी उन्होंने मतलब एक कंपैरिजन किया, इतना डिटेल नहीं है पर आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और बस यही था वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Close till I get up, time is barely on our side.